सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वशायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूवृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र का जो पहले अध्याय का आठवां सूत्र है उसमें विषय क्या है उसका? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबहुत्व। इनकी चर्चा अभी जीवस्थान के प्रकरण में ये इनकी चर्चा चलेगी, यानी इतने अलग अलग अपेक्षाओं से यहाँ जीवों का वर्णन चलेगा। तो सत प्ररूपणा में हमने सामान्य से और विशेष से देखा था। यहाँ जीव कौन कौन से गुणस्थानों में पाए जाते हैं उनकी अस्थि बताई जाती है। मिथ्या दृष्टि जीव है, यानी मिथ्या तो गुणस्थान वाले जीव है, ये सत प्ररूपणा हुई। भगवान ने ये सब बातें देखी है और बताई है, तो ये है ये सूत्र में बता दिया तो उसका अस्तित्व सिद्ध हुआ। तो सामान्य से यानी गुणस्थानों में बताए और विशेष से यानी मार्गणा बताकर मार्गणाओं में गुणस्थान लगाए। हमने हर एक मार्गणा में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं उसकी बात देखी थी। प्रत्येक मार्गणा की कुछ ना कुछ अपनी विशेषता होती है, उसको समझेंगे तो उसके बारे में जो कोई यहाँ कथन आते हैं वो बात हमारे बराबर ख्याल में आ जाती है। तो सत प्ररूपणा में हमने सामान्य से और विशेष से बात देखी। जो है, जो वस्तु है, यानी जो जीव कौन कौन से गुणस्थान में है बता दिया, तो उसके बाद कौन सी प्ररूपणा है? संख्या की। संख्या बताने के लिए पहले उसकी अस्थि बताई। अस्थि बताकर तो पहले काल या पहले क्षेत्र क्यों नहीं बताया? तो उसकी संख्या जाने बिना वो आगे की बात वो बता नहीं सकते, सिद्ध नहीं होते। इसलिए सब गुणस्थानों में जीवों की संख्या बताई गई। प्रत्येक गुणस्थान की हमने संख्या देखी देखी। प्रत्येक मार्गणा के जितने जितने गुणस्थान पॉसिबल है उसमें भी हमने संख्या देखी। सामान्य से हम देखते हैं तो निगोद पर्याय में ही अनंत जीव पाए जाते हैं और बाकी अन्य सभी पर्यायों में असंख्यात। अब मनुष्य पर्याप्त हो गए तो संख्यात, मात्र हम मनुष्य कहेंगे तो वो भी असंख्यात होते हैं। तो अभी जो अन्य अन्य जो मार्गणाओं के अन्य अन्य भेद हमने अलग अलग देखे हैं, जैसे गति मार्गणा की अपेक्षा चार गति देखी, तो कहाँ कितनी संख्या होती है उसकी चर्चा हमने देखी। उसका दूसरा नाम क्या है संख्या अधिकार का? द्रव्य प्रमाणानुगम, ये उसका अधिकार का नाम है। सत और संख्या देखी, उसके बाद क्षेत्र हमको देखना है। यानी गुणस्थानों का क्षेत्र जब हम देखते हैं तो पहले गुणस्थान का क्षेत्र यानी पहले गुणस्थानवर्ती जो जीव है वो ये लोक के कितने भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं? तो कहते हैं सर्वलोक। क्यों? क्योंकि वो जो सूक्ष्म एक इंद्रिय तो पूरे लोक में है। तो अभी क्षेत्र में हमको वर्तमान क्षेत्र देखना है, यानी वो जीव कहाँ रहते हैं उसकी बात है। तो ये पूरा लोक हमने देखा मिथ्या दृष्टि का। अब हमको गुणस्थानों में सोचना है तो सासाधन समय दृष्टियों का क्षेत्र हमको देखना है। तो पहले ये सोचना कि सासाधन समय दृष्टि जीव कौन से हो गए? एक केंद्रीय हो गए, द्विंद्रीय हो गए, कैसे हो गए? तो कहते संगी पंचेंद्रिय ही हो गए। तो वो कहाँ रहते हैं? लोक का संख्या तो अभाव, क्योंकि सासाधन समय दृष्टि कहेंगे हम वो भी चारों गतियों में पाए जाते हैं। आप कहेंगे यहाँ मारणांतिक क्यों नहीं लगाया? लगाते भी तो भी जीव कितने हैं? असंख्यात होते,
पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, तो वो पूरी बिहार की भी एरिया कवर नहीं होती है और मारणांतिक की भी एरिया कवर नहीं होती है, इसलिए वो लोक का असंख्यात भाग हो जाता है। स्पर्शन में हमने अन्य यानी अलग पद्धति से सोचा था, क्षेत्र में हम अलग पद्धति से सोच रहे हैं। क्षेत्र में भी कहीं कहीं मारणांतिक वगैरह की बात आती है, किसमें, जहां संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे निगोद है, बादर निगोद है, तो बादर निगोद का रहने का क्षेत्र कितना है अपना स्वस्थान का, बादर एकेंद्रीय है तो लोक के असंख्यात विभाग में रहेंगे, परंतु निगोद है ने अनंत की संख्या है, तो मारणांतिक करके कहां जाएंगे, पूरे लोक में, अनंत की संख्या है ना, तो सूक्ष्म जीवों में कहीं पर भी जा सकते हैं, तो वर्तमान में भी पूरा लोक होगा, परंतु हमने पूरा लोक एकेंद्रीय के लिए ले ही लिया है। तो जहां बहुत ज्यादा संख्या है वहां वर्तमान में भी पूरा लोक हो जाता है। तो हमने सासाधन गुणस्थान की बात देखी, तीसरे गुणस्थान की जब बात करते हैं तो उसकी विशेषता क्या होती है, उस गुणस्थान में मरण नहीं होता, और तीसरा गुणस्थान भी कौन से जीवों में पाया जाता है, यही जो संगी पंचेंद्रिय, कोई पहले गुणस्थान से तीसरे में जाता है जो सादी मिथ्या दृष्टि है, या कोई ऊपर के गुणस्थानों में से गिरकर तीसरे में आ सकते हैं, तो उनका भी क्षेत्र कितना है, लोक का असंख्यात भाव, उसमें ना मरण होता है ना मारणांतिक, वर्तमान में तो उसका कोई सवाल ही नहीं है। चौथे गुणस्थान की बात करते हैं, चौथे गुणस्थान वाले कहाँ कहाँ है, तो चार गति में है, उनका भी वर्तमान का क्षेत्र कितना है, लोक का असंख्यात भाव। स्पर्शन अभी देख रहे थे ना हम, तो उसमें हमने वो सारे मारणांतिक उपपाद वगैरह वगैरह सोचा था, अभी हमको पहले सिंपल में क्षेत्र देखना है, पांचवे छठे सातवें ऊपर के गुणस्थानवर्ती जीव, लोक का असंख्यात भाव, और तेरहवें गुणस्थानवर्ती वर्तमान में भी एक भी जीव केवली समुद्घात करता है तो क्या होगा, ये तो लोक का असंख्यात भाग, तो उनका स्वस्थान है, और प्रतर की अपेक्षा लोक का असंख्यात बहुभाग, ये बहुभाग समझते हैं ना, नहीं समझते, जैसे हमने 100 को 10 से भाग दिया तो कितने भाग हुए, टोटल 10 हुए, उसमें एक भाग अलग निकाला तो कितने भाग बचे, 9, तो बहुभाग यानी वो 9 भाग यानी उसकी वैल्यू कितनी है, 90, और एक की वैल्यू है 10, तो 10 है वो एक भाग है और 90 है वो बहुभाग है, 10 से भाग देने पर बहुभाग, ऐसे यहाँ पर लोक का असंख्यात बहुभाग है, यानी जो एक भाग है वो असंख्यातवा भाग है, यानी लोक में जितने प्रदेश है उसको असंख्यात से भाग देंगे, तो एक भाग है वो हमने अलग निकाला जो वात वले की एरिया है, और रिमेनिंग को क्या कहेंगे, असंख्यात बहुभाग, वो प्रतर समुद्घात में लोक का असंख्यात बहुभाग उसके एरिया है, और लोक पूर्ण समुद्घात में पूरा लोक जिसको हम सर्वलोक कहेंगे, यहां तक बात ख्याल में, ये तेरहवें गुणस्थान की बात। चौदहवें गुणस्थान वाले का क्षेत्र कितना है, लोक का असंख्यात भाग, ये गुणस्थानों में हमने क्षेत्र देखा, मार्गणाओं में भी हमने क्षेत्र देखा था, अब एक एक मार्गणा का नाम बताओ आप, हम फिर क्षेत्र की बात करेंगे, पहले कौन सी है, गति मार्गणा, उसमें चार गतियां होती है, ये हम सब रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इतना सब स्पर्शन करके आए और कुछ याद नहीं रहा, क्योंकि पहली बार इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप शांति से सुन रहे हो तो थोड़ा रिवाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो पहले जो समझा है उसको फिर दोबारा सुनेंगे तो जरा थोड़ा सरल हो जाएगा। अब मार्गणाओं में हमको क्षेत्र समझना है, आपके आगे वो मार्गणाओं के नाम रखो, रखा है ना, हाँ, दो नंबर का चार्ट आपके सामने रखो, तो उसमें आपको नाम मार्गणाओं के नाम मालूम हो जाएंगे। तो पहले में पहले गति मार्गणा, तो गति मार्गणा के भेद कौन से हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो नरक गति में गुणस्थान चार,
तो नारकी मिथ्या दृष्टि। अब नारकी इन टोटल उनका वर्तमान का क्षेत्र कितना है, तो लोक का असंख्या तो अभाव। आप कहेंगे इतने पूरे नीचे के उसमें रहते हैं ना, हाँ, पर वो त्रसनाली के अंदर रहेंगे और अपने अपने नरक बिलों में रहेंगे। तो पूरी टोटल एरिया अगर हम काउंट करते हैं तो लोक का असंख्या तो भाग ही होता है। ये समझ में आई बात? अभी दूसरी कौन सी है, तिर्यंच गति। तो तिर्यंच गति कहने से एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय सब आ गए उसमें। तो तिर्यंच गति के जीव रहते हैं पूरे लोक में रहते हैं। अभी वो मार्गणा के हमने और भेद नहीं किए, क्योंकि अभी कर्णानियोग के ग्रंथों में उसमें भी फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त है, योनिमति तिर्यंच है, लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच है, ऐसे बहुत उसमें भेद किए हैं। हम उन भेदों को नहीं ले रहे, केवल यहाँ पर तिर्यंच गति इतना ही ले रहे। तो तिर्यंच गति का तो क्षेत्र कितना है, तो पूरा लोक है। मिथ्या दृष्टि का तो है ही। अब तिर्यंच गति में जो सासाधन समय दृष्टि वाले हैं वो कौन से हो गए, संगी पंचेंद्रिय हो गए। उनका क्षेत्र कितना होगा, वही, क्योंकि नारकी तो सारे पंचेंद्रिय ही है, उसमें एक इंद्रिय आदि की बात है ही नहीं है, तो वो भी लोक का असंख्यात होगा। तीसरा चौथा गुणस्थान वहीं पर होगा, वो भी लोक का असंख्यात होगा। नारकियों की बात हुई, तिर्यंच की देख रहे थे। तिर्यंचों में गुणस्थान एक से पांच, तो पहले गुणस्थान तो पूरा लोक देखा, दूसरे गुणस्थान वाले संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच है वो लोक का असंख्यात अभाव, तीसरे वाले भी, चौथे वाले भी। आप कहेंगे वो चौथे वाले मारणांतिक नहीं करेंगे, करेंगे। वर्तमान में कितने कर सकते हैं, टोटल संख्या ही पल्ले के असंख्यात विभाग। एट ए टाइम मरकर जाएंगे तो आवली के असंख्यात विभाग जाएंगे, तो बहुत थोड़ी एरिया कवर होगी, पूरी नहीं होगी। इसलिए क्षेत्र में लोक का असंख्यात भाग ही होगा। यहाँ तक समझ में आई? तो चौथे की पांचवे की यही पोजीशन है। तिर्यंच गति के बाद मनुष्य गति, तो मनुष्य गति की अपेक्षा कहाँ होगा, क्योंकि मनुष्य लोक ही उसका क्षेत्र होगा, जो लोक का असंख्या तो अभाग है। परंतु मनुष्य गति में ये तेरहवें गुणस्थान में केवली समुद्धात भी होता है, उस अपेक्षा से असंख्यात बहुभाग भी होगा, पूरा लोक भी होगा, उस एक ही अपेक्षा से तेरहवें गुणस्थान में। अन्य सभी गुणस्थानों में लोक का असंख्यात अभाव। आप कहेंगे आपने मारणांतिक की बात उठाई थी, सूक्ष्म जीवों में भी जा सकते हैं, परंतु एट ए टाइम कितने, तो थोड़े जीव जाएंगे, तो पूरा लोक कवर अभी नहीं होगा। जब हम अतीत काल की अपेक्षा स्पर्शन देखेंगे तब उसकी बात सिद्ध होगी पूरे लोक की, अभी नहीं, क्षेत्र में उसको नहीं लेना है। मनुष्य गति की बात देखी हमने, फिर देवगति। देवगति की भी संख्या की, वो संख्या तो हम बाद में देखी थी हमने, यहाँ तो हमको क्षेत्र देखना है। तो उसमें कितना क्षेत्र होगा देवों का, उनका अपना अपना क्षेत्र रहने का, लोक का असंख्या तो अभाव है। आप फिर कहेंगे विहार करेंगे, करेंगे, पर कम, इतने सब नहीं, और पूरी एरिया एट ए टाइम कवर नहीं होगी, वर्तमान में नहीं हो रही, भूतकाल की अपेक्षा देखा तब कवर होगी, इसलिए तब हमने उसको स्पर्शन में गिना था, वो विहार वगैरह की बात, क्षेत्र में उसको नहीं गिनना है। तो देवों में चार गुणस्थान है और सभी का क्षेत्र कितना होता है, लोक का असंख्यात भाग। इंद्रिय मार्गणा में एकेंद्रिय जीवों का क्षेत्र पूरा लोक, द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक का लोक का असंख्यात भाग। इंद्रिय मार्गणा हुई। काय मार्गणा में पांच तो स्थावर कायिक है, वो कितने क्षेत्र में रहते हैं, पूरे लोक में, और त्रस कायिक जीव लोक का असंख्यात भाग। योग मार्गणा में अलग अलग योग वाले जीव, मनोयोग वाले कौन से हो गए, संगी पंचेंद्रिय, लोक का असंख्यात भाग। वचन योग वाले विकलेन्द्रिय से लेकर यानी पंचेंद्रिय तक, द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, वे भी लोक के असंख्यात भाग में रहेंगे, वर्तमान क्षेत्र। उसमें भी गुणस्थानों में भी लगाना है, तो वही बात होगी।
अब काय मार्गणा में काय मार्गणा वाले काय योगी जीव कहाँ रहेंगे पूरे लोक में, क्योंकि एकेंद्रियों में तो काय योगी तो होता है, वो पूरे लोक में पाए जाएंगे। वेद मार्गणा की बात हमने उठाई थी, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीव कौन होते हैं, पंचेंद्रिय ही होते हैं, वो लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। अब नपुसक वेदी जीव कौन कौन है, अरे सारे एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक, और नारकी भी है, मनुष्य तिरियंचों में भी जो कुछ पंचेंद्रियों में भी होते हैं, तो इनका क्षेत्र एकेंद्रिय की अपेक्षा लगी तो पूरा लोक है। तो नपुसक वेदी कहाँ रहते हैं, तो पूरे लोक में रहते। अब उसमें गुणस्थान लगा लो तो पहला तो पूरा लोक में है, सासाधन वाले तो समय पंचेंद्रिय हो गए, लोक का असंख्यात अभाव होगा। आगे के गुणस्थानों में भी यही बात घटित होगी। कितने गुणस्थान तक गिनना, 90। फिर कषाय मार्गना तो बहुत आसान है, मिथ्या दृष्टि तो पूरे लोक में है। कषाय मार्गना में क्रोधी अलग लेना, मान वाले अलग, माया वाले अलग, लोभ वाले अलग, अलग अलग भी लेंगे तो उनकी संख्या तो अनंत है, और सभी एकेंद्रियों में भी पाए जाते हैं, तो उनके पूरा लोक उसका वर्तमान का क्षेत्र सिद्ध हो जाता है। उनमें भी आगे के गुणस्थान जो है, जो गुणस्थानों का क्षेत्र देखा, वही क्रोध कषाय वाले गुणस्थानों का क्षेत्र होगा, वही मान वालों का, वही माया वालों का, लोक का असंख्या का अभाव, वो बात सिद्ध हो जाएगी आगे के गुणस्थानों में। ज्ञान मार्गणा में हमने देखा था कुमति कुश्रुत गुणस्थान पहला और दूसरा, तो पहले गुणस्थान में तो पूरा लोक, और दूसरे गुणस्थान में लोक का असंख्यात अभाव, को अवधि ज्ञान की बात है, को अवधि जिसको विभंग ज्ञान कहते हैं। तो विभंग ज्ञान किसमें होता है, अंगी पंचेंद्रिय, परंतु उसके गुणस्थान पहला और दूसरा। तो वर्तमान में विभंग ज्ञानी जीव कितने क्षेत्र में पाए जाएंगे, देखो देव और नारकी तो नियम से है ही है, जो मिथ्या दृष्टि और सासाधन वाले है, मनुष्य तिरियंचों में भी किसी किसी को होता है। आपको लगता होगा तिरियंच में कितने जीवों को अवधि ज्ञान होगा, अरे असंख्यात असंख्यात जीवों को, इतने को अवधि भी, समय दृष्टियों को तो अवधि ज्ञान हो सकता है उसमें, तो को अवधि भी इतने असंख्यात तिरियंचों में पाया जाता है, हमें आश्चर्य लगता है ना। हाँ, वो कैसा जानते होगे, आपको क्या मालूम उनका अवधि ज्ञान है कि नहीं। फिर से प्रश्न रिपीट करना, हाँ मैं आपका प्रश्न रिपीट करती हूँ, कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य है उसको कु अवधि ज्ञान है, फिर आप पूछ रहे हैं वो कुअवधि ज्ञान है कि जाति स्मरण ज्ञान है, ये क्या उसको इसको पता चलता है क्या? जाति स्मरण किसको कहेंगे? जाति स्मरण कौन से स्मृति है ना, वो मति ज्ञान का भेद है, और उसका कुअवधि ज्ञान है, तो कुअवधि ज्ञान की मर्यादा कितनी होगी, अंतर्मूर्त की होगी, वो ज्यादा नहीं टिकेगा, दोबारा दोबारा हो सकता है, उनको अवधि ज्ञान एट ए टाइम, वो अंतर्मूर्त के अधिक नहीं चलता उसका, ख्याल में आई ना, और वो तो मति ज्ञान का भेद है वो, और ये तो अवधि ज्ञान का भेद है, पता चलता है ना, अभी वो अलग टाइप का ज्ञान है, यानी कोई घटना उसको जाति स्मरण से याद आ रही, बस इतना ही। और अवधि ज्ञान में तो आगे का पीछे का भी हो सकता है, अन्य क्षेत्र का भी होता है, और वो तो जाति स्मरण में पूर्व भव का कुछ याद आ गया, स्मरण आ गया उसको। हाँ जरा एक मिनट, को अवधि एक पहले काल से पांचवें काल तक, ऐसा आप पूछ रहे, हाँ हो सकता है ना। देखो को अवधि कहां से कहां तक होते, काल की अपेक्षा से तो ऐसा कहीं कथन नहीं आता है,
परंतु तिर्यंचो में असंख्यात जीवों को कुअवधि ज्ञान होता है। छठे काल में होता है कि नहीं होता है, इसे स्पष्ट रूप से तो कहीं नहीं आता है। हाँ नहीं, भव प्रत्यय तो उनमें है नहीं, गुण प्रत्यय ही कहेंगे उसको भी हम। हाँ? वो विशिष्ट क्षोभम है ज्ञान का, वो ज्ञान का विशिष्ट क्षोभम हुआ है उसको, तो उसको अवधि ज्ञान से वो जानता है होने वाली घटना या हुई घटना या अन्य कुछ भी, जो कोई चीज अवधि ज्ञान की जो मर्यादा है ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, उस पूर्वक वो जानता है। तो हमें आश्चर्य लगता है ना, अरे हम आपको नहीं है और उनको कैसे होता होगा। बिल्कुल होगा। देखो वेद मार्गणा की बात देखी, कषाय ज्ञान मार्गणा, तो हमने कुमति कुशुत कुज्ञान ये देखे, और मतिशुत अवधि जो चौथे गुणस्थान से है उनका क्षेत्र कितना होगा, लोक का असंख्यात अभाव होगा। केवल ज्ञान का उसमें वो तीन भेद पड़ेंगे, नहीं समझे। उनका अपना रहने का ठिकाना लोक का असंख्यात अभाव, प्रतर में लोक का असंख्यात बहुभाग, और लोक पूरण में पूर्ण लोक। संयम मार्गणा के भेद हमने देखे थे, कोई असंयमी है यानी गुणस्थान पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहले गुणस्थान का जो हमने क्षेत्र देखा था पूरा लोक वो उसका होगा, दूसरे गुणस्थान का जो गुणस्थान में क्षेत्र देखा था वही, क्योंकि दूसरे गुणस्थान वाले असंयमी है तो उनका क्षेत्र भी कितना होगा, लोक का असंख्यात भाग, क्योंकि वो संगी पंचेंद्रियों में होगा ना सासाधन वाला। तीसरा और चौथा भी कितना होगा, लोक का असंख्यात भाग। अब संयमा संयमी यानी पंचम गुणस्थान वर्ती कितना होगा, लोक का संख्या तो जो हमने उनके गुणस्थान देखे हैं, यह हमको उसके संयम की भाषा में बोलना है। जैसे सामायिक और छेदोपस्थापना छठे से नवे गुणस्थान तक के लोक के असंख्यात भाग में ही रहेंगे, सूक्ष्म सांप्राय वाले लोक के असंख्यात भाग में, और यथाख्यात संयमी उसमें वो केवल ज्ञानी की और केवल ही समुद्घात की अपेक्षा लगेगी, अन्यथा नहीं। दर्शन मार्गणा में चक्षु और अचक्षु दर्शन गुणस्थान पहले से बारहवें तक, तो पहले गुणस्थान वाले चक्षु दर्शन वाले कितने एरिया में रहेंगे, लोक का संख्या तो भाग, और अचक्षु दर्शन वाले पूरे लोक में, क्योंकि उसमें एक इंद्रिय भी आ गए, और बाकी ऊपर के गुणस्थानों में तो जो हमने गुणस्थानों का क्षेत्र देखा वही होगा। अवधि दर्शन में जो अवधि ज्ञान का हमने देखा था, अवधि ज्ञान कहाँ से कहाँ तक है, चौथे से लेकर बारहवें तक, उसका जो क्षेत्र हमने देखा, देखो क्षेत्र में तो लोक का असंख्या तो अभाग डायरेक्ट कह देते, स्पर्शन है तो थोड़ा विचार करना पड़ता है कहाँ अटक जाते वहां पर बहु भूमि वालों को होता है, बहुतों को होता है, मेजोरिटी तिर्यंचों को बात है, आता है ना जगत प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण तिर्यंचों को अवधि ज्ञान है, इतने असंख्या जीवों को है। रेशा मार्गना देखते अभी, केवल दर्शन की बात तो समझ नहीं आई ना, तो उसमें वो केवली समुद्घात को ले सकते हैं। लेशा मार्गना में अभी हमको देखना है अशुभ जो तीन रेशा है, यानी कृष्ण रेशा को अलग ले लो, नील को अलग, कपूत को अलग, वो कहाँ पाए जाएंगे, पूरे लोक में। तो ये तीन अशुभ रेशाओं के गुणस्थान आपको बताना है, कहाँ से कितने, कहाँ से कहाँ तक, एक से चार। तो पहले गुणस्थान वाले तो पूरे लोक में, अब दूसरे गुणस्थान वाले लोक के संख्या तो, क्योंकि कृष्ण लेशा नील और कपूत के साथ सासाधन वाले हैं, तो उसमें नारकी भी आए, मनुष्य तिर्यंच भी आ गए, तो चार गुणस्थान तक तो हमने देख लिया उसको। अभी शुभ लेशा में पीत लेशा, पीत लेशा वाले में गुणस्थान एक से सात,
पहले गुणस्थान वाले अभी पीत लेशा है, संगी पंचेंद्रिय में ही होगी। अशुभ लेशा है, पूरे एकेंद्रिय में भी थी। अब ये पंचेंद्रिय कहाँ रहते हैं? तो लोक के असंख्यात भाग में। ये पीत लेशा का पहले गुणस्थान की भी एरिया और आगे के गुणस्थानों की भी लोक का असंख्यात भाग प्रमाण ही उनका क्षेत्र हो जाएगा। अब इसमें केवली समुद्घात लेना के नहीं लेना? पीत लेशा वालों में केवली समुद्घात लेना। तेरहवें गुणस्थान में शुक्ल लेशा होती है, शुक्ल लेशा होती है। पीत पद्म में वो नहीं ले सकते। तो पद्म लेशा में भी कैसे लेंगे? मिथ्यात्व से लेकर ऊपर के सभी गुणस्थान लोक के असंख्यात विभाग में। शुक्ल लेशा में वहां पर भी मिथ्यात्व से लेकर तेरहवें तक, केवल तेरहवे तक वो तीन बातें बताएंगे हम, बाकी सभी गुणस्थान वाले लोक के असंख्यात विभाग में। और तेरहवे की अपेक्षा असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग और पूर्ण लोक। बाकी अलेश जो है चौदहवें गुणस्थान वाले, तो लोक का असंख्यात भाग। भव्य मार्गणा, भव्य जीवों का क्षेत्र कितना होगा? मिथ्या दृष्टियों का पूरा लोक, सर्वलोक। और अभव्यों का वो भी पूरे लोक में कहीं पर भी होगे। सम्यक तो ये हो गया भव्य अभव्य। सम्यक तो मार्गणा में हमने छह भेद देखे थे, जो समय दृष्टि उनमें तीन भेद है और बाकी तीन गुणस्थान वाले तीन। तो पहले में पहले औक्षमिक सम्यक तो के साथ वो जीवों का क्षेत्र कितना होगा? लोक का संख्या तो अभाव। और क्षौक्षमिक समय दृष्टि वो भी और क्षायिक वाले वो केवली समुद्घात की अपेक्षा उसमें लग सकती है, बस उसको छोड़कर बाकी लोक का असंख्यात अभाव। अब तीन और गुणस्थान है, मिथ्या दृष्टि पूरे लोक में, सासादन लोक का असंख्यात अभाव, और तीसरे गुणस्थान वर्ती वो भी लोक का असंख्यात अभाव। ये सम्यक तो मार्गणा हो गई। संगी मार्गणा में संगी जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग में, और असंगी जीव पूरे लोक में। असंगी कहने से हाँ, एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव असंगी है, और संगी असंगी से रहित। अब तेरहवें गुणस्थान में केवली समुद्घात को भी लगाएंगे, और बाकी तो लोक का असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग और पूर्ण लोक। आहार मार्गणा में देखना है हमको, आहारक कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, आहारकों के गुणस्थान कौन से पहले नक्की करो, एक से तेरह। हाँ, तो पहले गुणस्थान वाले कहाँ पाए जाएंगे? पूरे लोक में, क्योंकि वो सूक्ष्म एकेंद्रीय भी शरीर के परमाणु का ग्रहण चल रहा है ना, उनका भी वो भी आहारक है, तो पूरे लोक में। और अनाहारक अनाहारक कहाँ है? अनाहारक भी मिथ्या दृष्टि पूरे लोक में। क्यों अनाहारक? कारमान का योग में सभी अनंत जीव पाए जाते हैं, वो भी पूरे लोक में पाए जाते हैं। अब आहारकों में अन्य जो गुणस्थान है उनकी एरिया, और केवली में नहीं, तीनों नहीं आते। वो तीनों आते हैं वहां, वो अनाहारक में। प्रतर लोक पुराण में तो अनाहारक है ना वो, इसलिए वो तीन समय में जो हम अलग से कथन करते वो यहां अनाहारक में नहीं घटित होगा। आहारक केवली कौन से है? जो स्वस्थान केवली कहते समुद्घात नहीं कर रहे वो, तो ये आहारक की बात हुई। अनाहारक की बात करते, अनाहारक ने गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा, तेरवा, चौदवा भी है, तो इनका क्षेत्र हमको देखना है। अनाहारक पहले गुणस्थान वर्ती पूरे लोक सर्वलोक, अनाहारक सासादन वाले यानी मर्क। अनाहारक कब हो गए? विग्रह गति में, तो सासादन के साथ विग्रह गति में है। वर्तमान में कितने हो गए? सासादन वाले टोटल ही होते पल्ले के असंख्यात विभाग, तो एट ए टाइम मरकर जाने वाले तो बहुत अल्प हो गए,
भले असंख्यात होगे फिर भी अल्प होगे तो लोक का असंख्यात प्रभाव होता है। फिर अनाहरक में तीसरा होता नहीं है, चौथे वाले लोक का असंख्यात प्रभाव। अब अनाहरक केवली कौन से? तेरहवें गुण स्थान वाले कितने हो गए? अनाहारक अभी असंख्यात भाग नहीं कहेंगे, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक। हाँ, ये हो गई अनाहारक की बात। और अनाहारक चौदहवें वाले लोक का असंख्यात भाग अपनी एरिया में रहते। तो ये हमने अभी क्षेत्र की बात देखी, क्षेत्र हमने देखा। अभी स्पर्शन देखने के लिए हमने यहाँ जो बोर्ड पर थोड़ा ये नक्शा ड्रॉ किया, थोड़ा इम्प्रोपोर्शनेट है परंतु समझने के लिए वो काफी है, उसको हम देखेंगे। क्योंकि स्पर्शन कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ ख्याल में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम जरा यहाँ देखेंगे कि कैसे हमने स्पर्शन देखना है। देखो स्पर्शन का अर्थ क्या होता है कि अभी तो हमने एक क्षेत्र की बात देखी गुणस्थानों में और मार्गनास्थानों में, अभी हमको क्या देखना है? स्पर्शन अतीत काल की अपेक्षा देखनी है। वर्तमान में एट ए टाइम मारणांतिक करने वाले, उपपाद करने वाले थोड़े होते, असंख्यात होते हैं, परंतु अतीत काल की अपेक्षा देखेंगे तो अनंत होता है। तो कभी ना कभी किसी न किसी कहीं ना कहीं मारणांतिक किया है, उस सबको कंसिडर करके यहाँ हमें उसकी बात निकालनी है। तो ये स्पर्शन में वर्तमान का स्पर्शन कितना है वो तो बताते ही बताते हैं, यानी रहने का ठिकाना है। अभी इसमें कौन कौन से पद लगेंगे? वैसे 10 पद लग सकते हैं किसी भी ये क्षेत्र निकालने के लिए। याद है कौन से 10 पद? एक है स्वस्थान स्वस्थान, एक है विहार व स्वस्थान। ये दो स्थान में गर्भित हो गए ना, विहार करके कहाँ तक जा सकते हैं उसको कहेंगे विहार व स्वस्थान। फिर हमने 7 प्रकार के समुद्घात देखे थे। पहले कौन सा देखा था? वेदना समुद्घात, फिर कषाय समुद्घात, वैक्रेयिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात। ये तो 4 हो गए। अब एक स्पेशली छठे गुणस्थानवर्ती जीवों के तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात, और कौन सा बचा? केवली समुद्घात। तो जहाँ जो समुद्घात पॉसिबल है उसकी अपेक्षा से हम स्पर्शन में उसको गिनेंगे और उसकी अपेक्षा से हम वो स्पर्शन संबंधी क्षेत्र निकालेंगे। तो ये हमने देखे थे। और कुछ रह गया क्या? उपपाद। उपपाद का अर्थ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने उपपाद शैया इतना ही सुनकर रखा है। देवों की उत्पत्ति होती है, कहाँ होती है? तो उनकी उपपाद शैया होती है, जैसे वो शिप के आकार के शेल होता है ना, उसके आकार के उनकी वो उपपाद शैया होती है और उसी में उनके 6 पर्याप्ति पूर्ण होती है। वो अंतर्मूर्त में वो देव उत्पन्न होते, उनमें कोई बालक बिलक नहीं होते, युवा ही अवस्था रहती है देवों की, और ऐसे ही वो उत्पन्न होते हैं एक अंतर्मूर्त में, कुछ समय नहीं जाता वहां पर। और फिर वो मालूम है वो क्या, अन्य देव उनके परिवार के देव स्वागत करते हैं, वो सब मिलकर वहां चले जाते हैं जिनेन्द्र भगवान का पूजन वगैरह करने के लिए। समय दृष्टि स्वयं जाएंगे, मिथ्या दृष्टि को अन्य देव लेके जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें चलते हैं वहां पर। देव में जाते ही वो सब बातें होती है। तो यहाँ तो हमको स्पर्शन में देखना है उनकी बात। तो उपपाद ये जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो जन्म का पहला समय, जन्म ने उस गति में गया है वहां का पहला समय। शरीर धारण करने का पहला समय नहीं कहा, कोई इशु गति यानी रुजु गति से जाएगा बिना मोड़ के, तो यहाँ मरण का समय था, यानी वहाँ यहाँ जीव मनुष्य रूप से था, नेक्स्ट समय में देव में पहुंच गया, तो उसमें क्या कहेंगे? उसका उपपाद वो उस समय का कहलाएगा। शरीर धारण की कर रहा है उसी समय उसका वहाँ उपपाद कहेंगे, क्योंकि उसने विग्रह गति में समय वेस्ट नहीं गया है उसका, डायरेक्ट वहां पहुंच गया। और जो विग्रह गति से जाता है तो पहले मोड़ में पहुंचा, एक समय में पहले मोड़ में पहुंचा, पहले मोड़ तक, तो वहां उसका उपपाद कहेंगे। ये ख्याल में आती है ना, उपपाद यानी उस भव का उसका पहला समय, भले वो विग्रह गति में हो जाए या वहां पहुंचने वाला ईशो गति से रुजु गति से जाने वाला हो,
यानी बिना मोड़ से जाने वाला हो, तो उसका उपपाद का समय वो गिनेंगे हम। ये क्यों इसका गिनना है? क्योंकि विग्रह गति से जाने वाले के उपपाद होता है, तो उसमें हमने देखा था पहले जिसने मारणांतिक किया है, तो मारणांतिक में क्या होता है मालूम है? उस जीव के प्रदेश जहां जन्म लेना है उस स्थान तक फैले रहते हैं। कब तक? अंतर्मूर तक। ये मैक्सिमम की बात देखी ना हमने। तो विग्रह गति में जैसे जिस मोड़ से जाने वाले हैं, जैसे जाने वाले हैं, उसी रूट में उसके सारे प्रदेश फैले रहते हैं मारणांतिक समुद्र में। मूल शरीर में तो है ही है, पूरे के प्रदेश बाहर छोड़कर नहीं जा रहे, यहाँ शरीर को छोड़ा नहीं है, कुछ प्रदेश बाहर निकसे है और वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो वहाँ तक पहुँचे नहीं, उसकी एरिया इतनी ज़्यादा हो गई है। अब मरण होने पर क्या होता है? वो जो मूल शरीर में जितने प्रदेश थे वो पहले मोड़ तक गए, पहले मोड़ तक गए, परंतु वो प्रदेश फैले थे वो वैसे ही है अभी, जो मूल शरीर में थे वहाँ से उच्चकर पहले मोड़ तक गए। तो उसके उपपाद में उसके एरिया कितनी होगी क्षेत्र? वो पहले मोड़ से या तो एक मोड़ से जाने वाला है तो शरीर तक, यानी जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक, दो मोड़ से जाने वाला है तो पहले मोड़ से दो मोड़ तक और दूसरे मोड़ से उत्पत्ति स्थान तक। इसको कहेंगे उपपाद, उपपाद की अपेक्षा क्षेत्र, और वो हम स्पर्शन में उसकी बात मुख्यता लेते हैं। ये थोड़ा कठिन पड़ रहा है, मारणांतिक तो बहुत आसान लग रहा है ना? मारणांतिक कब होता है? मरण के पहले। जब हम कहेंगे ये तिर्यंश मारणांतिक कर रहा है, तो वो तिर्यंश गति का जीव है और मरण के पूर्व में मारणांतिक कर रहा है, जो कोई उसका गुणस्थान होगा। और उपपाद हम कहेंगे जैसे तिर्यंश देव में उत्पन्न हो रहे हैं, हमने देखा ना पांचवें गुणस्थान वर्ती तिर्यंश कहाँ तक मारणांतिक कर सकते हैं? तो सोलहवें स्वर्ग तक। अभी हम उसी में उपपाद लेंगे, यानी मारणांतिक किए किसी तिर्यंश ने तो उसके प्रदेश मान लेते, दो मोड़ लेकर वो स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला है सोलहवें स्वर्ग, तो उसके प्रदेश ऐसे फैले हुए हैं। फिर उसने उपपाद किया, यानी उसके वो तिर्यंश के शरीर से प्रदेश निकल कर पहले मोड़ तक पहुंच गए। अभी उसके प्रदेश कैसे फैले हैं? पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक और दूसरे मोड़ से वहाँ स्वर्ग में जहाँ उत्पन्न होना है वहाँ तक। इसको कहेंगे उपपाद। पर ये उपपाद में अभी वो कौन से गति का जीव है? अभी उसको देवगति का कहेंगे। वो तिर्यंश जो मारणांतिक किया था वो तो पांचवें गुणस्थान वाला था, और अभी उपपाद के काल में ये कौन है? ये देव है और चौथे गुणस्थान वाला है। तिर्यंश गति में उपपाद कहेंगे तो जो तिर्यंश रूप से जन्मने वाला है उसको कंसिडर करने पड़ेगा। अभी हमने जो तिर्यंश देव में जाने वाले है वहां वो उपपाद करना है, तो वो देवगति का जीव था। तिर्यंश गति में उपपाद करना है तो वो कहां से आएगा? तिर्यंश गति में, अरे चारों गति से आ सकता है, ख्याल में? तो वहां कहां कौन से गुणस्थान वाला कहां से आता है उसको अगर हम सोचेंगे तो वहां उपपाद का क्षेत्र भी हम निकाल सकते हैं। ये तो हमने इन जनरल बात की। तभी कोई भी जो हम क्षेत्र और स्पर्शन देख रहे हैं तो उसमें हमको, आप तो फटाफट बोलते ऊपर कितना जाता है नीचे कितना जाता है, इसलिए थोड़ा लोकाकाश का जो स्वरूप है या तीन लोक का स्वरूप हम थोड़े में देखने जा रहे हैं यहाँ पर। ये लोकाकाश जो है वो ऊपर से नीचे कितनी है उसकी हाइट? 14 राज्य, और ये है पूर्व पश्चिम। तो इसको पूर्व कहेंगे, इसको पश्चिम कहेंगे, बराबर है? किसको कहेंगे? ये है ना, ये पूर्व पश्चिम है और दक्षिण उत्तर ऐसा, ये पीछे जो फैला है ये हमने थ्री डायमेंशन बताया, उसको दक्षिण उत्तर कहेंगे। तो पूर्व दिशा किसको कहेंगे? राइट साइड में, जब हम चार दिखाए तो राइट साइड को। आपके शहर में पूर्व दिशा किसको कहते हैं? किसके राइट में? आपके क्या सामने वाले के? हाँ, जैसे मेरी राइट इधर है आपकी राइट उधर है, तो देवलाली में पूर्व दिशा कैसे होगी?
मेरे लाइट में होगी कि मेरे लिफ्ट में होगी? अरे सूर्य कहाँ उगता है। और जब नक्शा बनाते हैं, जब हमने पेपर पर लिखा तो पूर्व पश्चिम कैसे कहेंगे? राइट साइड को पूर्व, लेफ्ट साइड को पश्चिम, ये ऊपर को उत्तर और नीचे को दक्षिण। यहाँ कोई सूरज उगने की मुख्यता नहीं है, हाँ इसीलिए मैंने पूछा, ये तो लोकाकाश के बाहर से सूर्य उगना ऐसे मानना पड़ेगा। तो यहाँ हम कहते हैं पूर्व पश्चिम फैलाया जाए, राइट साइड को हम पूर्व कहेंगे, लेफ्ट साइड को पश्चिम कहेंगे, ऊपर को हम उत्तर कहेंगे, नीचे को दक्षिण कहेंगे। ऊपर यानी अभी पेपर ऐसा रखेंगे तो हम ऐसा ऐसा देखेंगे उसको, यानी चार्ट्स को समझने का ये तरीका है। तो ये ऊपर से नीचे हमने देखा था 14 राज्य होते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, तो उसके सबसे बीचों बीच एक त्रस नाली पाई जाती है। बीचों बीच यानी उसके डायमेंशन देखो, अभी यहाँ ऊपर लोकाकाश है ऐसा एक राजू, और ऐसा कितना फैला है? 7 राजू, उसके बीचों बीच। तो त्रस नाली की डायमेंशन क्या है? ऐसा एक राजू और ऐसा एक राजू, और वो किसके बीच है? वो एक राजू और यानी 7 राजू जो है उसके सेंटर में है वो, यानी सेंटर का एक राजू माइनस करो तो दोनों बाजू 3-3 राजू एरिया रह जाएगी। यानी वो त्रस नाली कहाँ से शुरू होती है? ये जो है ना यहाँ बीच में शुरू होगी, और बीच से नीचे तल तक आ जाएगी। अभी यहाँ आपके वो चार्ट नहीं है जैन भूगोल पुस्तक में से, परंतु आप जरा इमेजिन करना। अब ये त्रस नाली तो हमने बता दिया, बाकी ये पृथ्वी जो हम कह रहे हैं ना, पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, वो कहाँ तक है? तो देखो ये मेरू पर्वत कहाँ है, ये जो त्रस, ये तो हमने यहाँ पृथ्वी ड्रॉ की है आपको समझने के लिए, परंतु वो जो त्रस नाली है उसके बीचों बीच सेंटर में मध्यलोक में क्या है? तो असंख्यात द्वीप और समुद्र है। सबसे बीच में जम्बू द्वीप, सराउंडिंग लवण समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र है। कितने असंख्यात है? 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्ल, इतने है द्वीप समुद्र। तो सबसे सेंटर वाला जो जम्बू द्वीप है उसके सेंटर में 1,00,000 योजन हाइट वाला वो मेरू पर्वत है, उसमें चुली का भी है 40 योजन की। वो कहाँ से कहाँ तक है? उसका तल जो है, ये पहली पृथ्वी के ऊपर से हम 1,000 योजन नीचे जाएंगे वहाँ उसका तल है, और वहाँ से उसकी हाइट माप, वो है मेरू पर्वत की हाइट। समझ में आई बात? तो वहाँ से वहाँ तक उसको मध्यलोक कहेंगे। तो मध्यलोक या तिर्यलोक कैसा है? तिर्यलोक ऐसा एक राजू है, ऐसा अंदर 7 राजू तक फैला है। तो उसके बीचों बीच में जो त्रस नाली के 1x1 एरिया है, 1 राजू x 1 राजू एरिया, उसमें जो असंख्या द्वीप समुद्र पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात? तो उसके सेंटर वाले जो 2.5 द्वीप है, एक कौन सा है? जम्बू द्वीप, उसको सराउंडिंग लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड, उसके बाद कालोदधी समुद्र, उसके बाद है पुष्कर द्वीप, पर पुष्कर द्वीप के आधे में पूरा सराउंडिंग मानसोत्तर पर्वत है, और वहाँ तक की जो 45,00,000 योजन डायमीटर वाली जो गोलाकार एरिया है उसको कहते हैं मनुष्यलोक। वो मनुष्यलोक की एरिया कितनी है? पूरे लोक का असंख्यात भाग है। इसलिए जब जब हम मनुष्यों की बात करेंगे तो कह देंगे लोक का असंख्यात भाग। ये मनुष्यों की बात हो गई। अब ये जो नीचे अधोलोक में क्या क्या है, तो ये जो पृथ्वी है पहली पृथ्वी, इसके ऊपर हम रह रहे, और इसमें क्या है? 3 भाग है ना, खर भाग, पंख भाग, अबहुल। हाँ, उसके डिटेल में नहीं जाने हैं। और ये नारकी, पहले नरक के नारकी कहाँ रहते हैं? तो इसके जो 3 भाग किए हैं उसके अबहुल भाग जो नीचे का है उसमें वो नारकियों के बिल है, पहले नरक के बिल वहां पाए जाते हैं। बिल कैसे है? एक लेयर में कुछ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पाथड़े कहते हैं उसको, पटल कहते हैं। ऐसे अलग अलग पटलों में वो बिल पाए जाते हैं। कौन से नरक में कितने पटल है वो सब बातें डिटेल में अभी हमारा विषय नहीं है। हम तो केवल ये पहली पृथ्वी है, ये तो संख्यात योजनों की है। जब हमने वहां से स्पर्शन देखा था तो ये संख्यात योजन ही ऊपर जाता है, भले राजू बाय राजू होगा, पर तीसरी डायमेंशन है वो राजू में नहीं है, वो कुछ योजनों में है, संख्यात योजनों में है, इसलिए वो लोक का असंख्यात भाग ही होता है। एक बात।
अभी दूसरी पृथ्वी की जब बात आती है तो ये पृथ्वी यहाँ से कितनी है, तो एक राजो नीचे है। तो दूसरी पृथ्वी के जो नारकी यानी दूसरे नरक के नारकी, उनकी एरिया जब हम जहाँ कहीं तीरंचों में जाने की अपेक्षा कहेंगे तो वो होती है एक राजो, एक स्क्वायर राजो। ये तीसरी पृथ्वी दो राजो नीचे है, चौथी तीन राजो नीचे है, पांचवी, इस तरह से हमको देखना है। पर पृथ्वी कहने से ये पूरी पृथ्वी नहीं लेना है नारकियों में, क्योंकि नारकियों के बिल किस में हो गए, त्रसनाली के अंदर हो गए कि बाहर हो गए। ये पृथ्वी कैसी, यहाँ तो फ्रंट व्यू है, तो ये वहां तक फैली है, यानी हर एक पृथ्वी ऐसी जो कुछ थी नीचे के नीचे उसकी विर्थ ऐसे फैली जा रही है। ऊपर तो एक राजो की थी, फिर बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, नीचे की हो सात राजो तक पहुंच जाएगी, ख्याल में ही बात। तो ये तो इसके एक बाजू की होगी, दूसरी बाजू में सर्वत्र सात राजो फैली हुई है, और ये उसके बीचों बीच जो त्रसनाली है, वो त्रसनाली में उस पृथ्वी का जो कोई पर्शन है उसमें नरकों के बिल है। लोगों को ऐसे लगता है पृथ्वी में सर्वत्र वो कैसे हो सकते है, वो त्रस जीव है, त्रसनाली के बाहर उनके बिल नहीं हो सकते, त्रसनाली के अंदर ही उनके बिल है। तो कौन से नरक के कितने पाथर है, कितने बिल है, वो सब विस्तार से है, वो जैन भूगोल का विषय है। देखो त्रसनाली कहाँ से शुरू हो जाएगी, ऊपर से, कहाँ तक जाएगी, उसके बेस तक, वो बेस इधर बीच में आएगा, थ्री डायमेंशन पिक्चर है ये, तो उसका बेस भी ऐसा दिखेगा ना, जैसे ये ऐसे ही जाते हुए दिखी है, तो ये उसका बेस है। ऐसा आप कहेंगे यहाँ टेबल से सेंटर में हम कोई चौकोर करते, उसका बेस कहाँ जाएगा, जमीन को पहुंचेगा ना, तो लोकाकाश का जो तल है वहां तक वो त्रसनाली पहुंचेगी। ऊपर से तो 14 राजू काउंट करो। देखो यदि हमने यहां से यहां 14 राजू गिने तो वो वहां से शुरू हुई, वहां से 14 राजू गिन हुई नीचे तक, चित्र में उसको कैसे दिखेगा, है ही ऊपर से नीचे तक है, कटा हुआ ऐसा लगता है कि वो हैंगिंग कहीं लूज, ऐसा नहीं है। आपने जैन भूगोल पुस्तक देखी होगी, उसमें ऊपर से नीचे जो त्रस नाली दिखाई है वो सेंटर से दिखाई है, फ्रंट से दिखते तो फ्रंट से यहां तक दिखती, जो सेंटर बीच में से शुरू हुई तो बीच तक भी दिखेगी आपको, उसके हाइट तो उतनी ही है 14 राजू। और वो सारे चित्र जो बनाए थे हमने वो तो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट बनाए थे, एक राजू के लिए 4-4 सेंटीमीटर का प्रोपोर्शन लेकर बड़े बड़े ड्राइंग के जो शीट्स आते हैं उस पर ये सारे चार्ट बनाए थे, यानी वो सारे प्रोपोर्शन में है। हमें लगता है कि ऐसे हैंगिंग है बीच में, वो हाँ वो है ना, वो हैंगिंग नहीं है, ऊपर से शुरू हुआ है और वो नीचे बेस में पहुंचा है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो बीच में ही कट डाउन हो गया, ऐसा नहीं है। देखो देखो आपका प्रश्न है, अभी यहाँ नारकी बीच में हम यहाँ समझते समझने के लिए, तो यहाँ सभी ये सर्वत्र उनके नारकियों के बिल है, और यहाँ के नारकी मरकर ऊपर आते हैं, तो ऊपर ये तीरियंचो तो सर्वत्र है, अभी मध्य लोक इमेजिन करो, वो त्रसनाली में सेंटर में है, ये सेंटर में इमेजिन करो, तो इनका कहना है सर्वत्र आने चाहिए, आते ही है, तीरियंच में जाना है तो, मनुष्य में जाना है तो पहले सेंटर में आएंगे ढाई द्वीप के एरिया में, और वहां से ऊपर चढ़ेंगे। मनुष्य में जाने वाले जीव वो नारकी अपने अपने बिल से ऊपर नहीं चढ़ेंगे, होने दो, पर मनुष्य लोग जहां उत्पन्न होने वाले हैं वो त्रसनाली में सर्वत्र नहीं है, वो बस बीच में ढाई द्वीप में है, इसलिए मनुष्य में जन्मने वाले जीव पहले वो मनुष्य के एरिया के नीचे आएंगे और वहां से ऊपर चढ़ेंगे, मध्य लोक में है ये यहाँ पर है, असंख्या द्वीप समुद्रों के सेंटर में है, और ढाई द्वीप दूसरा देखना है तो इंदौर जाना पड़ेगा। चलो लेकिन जैसे दिखता हुआ
लोगों को कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऊपर से शुरू हुई ना, आप नीचे गए थे नीचे लटक रही, पर ऊपर ऊपर गई है वो कहाँ देख रहे आप, और वहाँ जो आपको फिगर दिख रही है उसको आप काउंट करो सेंटीमीटर में, या जितनी है वो उतने लोकाकाश की हाइट भी उतनी है, वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में है। बिल्कुल सेंटर में, हाँ सेंटर, और तिरछा कुछ देखेंगे तो कैसे दिखेगा, हाँ ऐसा ही दिखेगा। आप कोई ट्रांसपेरेंट कुछ हो चीज होती है उसमें देख करके देखो, ये लोकाकाश के भी ऐसे ट्रांसपेरेंट हमने देखे कहीं कहीं, उसके जो ऐसे बनाए हुए हैं तो उसमें आपको पता चलता है कैसा दिखते हैं, वो कहीं हैंगिंग तो है ही नहीं है। हाँ वो बेस तक जाके टच होता है, बेस तक जाता है, त्रसनाली बेस तक है, ये कहना चाहते हाँ। त्रसनाली तो पूरी सर्वत्र कहलाएगी, चौदह राज्यों वाली, वो जाता है ना क्या, वो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसमें वॉल बने, ऐसा कोई उसको यानी कुछ बाउंड्री नहीं बनी है उसकी। हाँ है ना, अपने पुस्तकों में भी है और ये उनके उसके में भी है, तो ये तो साइड से देखेंगे तो थ्री डायमेंशन में ऐसा ही देखेगा। हमें क्या देखना है यहाँ पर, कितने राजो नीचे, और नरक के बिल किस में है, त्रसनाली के अंदर है, और अंदर है तो वहां से ऊपर एरिया कितनी होती है, तो सातवें नरक के नारकी जो देखो पृथ्वी, एक दो तीन चार पांच छह सात, नीचे तो वो निगोद वगैरह है, अन्य भी पांच केंद्रीय है, तो यहां से जीव ऊपर आएगा, कितना आएगा, छह राज्य, तिरंज में जाने की अपेक्षा छह राज्य, कोई समय दृष्टि होगा तो मनुष्य में ही आएगा, तो क्या करेगा वो सेंटर में आएगा यानी मनुष्य लोक के नीचे तक, और फिर वहां से चढ़ेगा, तो उसकी एरिया पूरी त्रसनाली जितनी कवर नहीं होगी, इसलिए समय दर्शन समय दृष्टि के लिए लोक का असंख्याता भाग कहेंगे। ये तिरंज में जाने वाले जो जीव है सासाधन वाले मिथ्या दृष्टि वाले, वो सर्वत्र अपने अपने बिल से डायरेक्ट ऊपर चढ़ सकते हैं, और ऊपर भी तिरंज सर्वत्र है, स्वयं भ्रमण समुद्र के अंत तक है सब जगह, इसलिए वो एरिया उनकी बड़ी कवर हो जाती। अब हम थोड़े में देखते हैं कि यहाँ स्वर्गो कौन सा स्वर्ग कहाँ तक है, बाकी डिटेल में नहीं जाना है हमको, तो देखो पहला दूसरा, पहला और दूसरा एक के ऊपर एक नहीं होते, नाम क्या है पहले दूसरे का, सौधर्म और ईशान, तो सौधर्म कौन सी दिशा में है और ईशान, पहला नाम लेते वो दक्षिण की तरफ है और दूसरा नाम लेते वो उत्तर की तरफ है, सौधर्म ईशान यानी पहला और दूसरा स्वर्ग एक ही लेवल पर है, जो सेंटर में विमान होता है वो दिनरक और फिर वो श्रेणी मतलब उसकी लाइन में वो सारे आधिपत्य में है, यानी सौधर्म ईशान के अंडर कितने 32 लाख विमान है और ईशान के अंडर 28 लाख है, कम हो जाते क्योंकि सेंटर के और पूर्व और पश्चिम के ये उनके अंडर आते हैं, इसलिए उनकी संख्या ज्यादा होती है, वो अपना विषय नहीं है। सौधर्म ईशान वो कहाँ तक है, डेढ़ राज्यों तक है, यहाँ पहली पृथ्वी से डेढ़ राज्यों ऊपर तक, पहले और दूसरे जो स्वर्ग है उनके विमान अलग अलग सतह पर है, उनके 31 अलग अलग पटल है, वहां तक उनके विमान पाए जाते हैं, तो कोई पहले दूसरे स्वर्ग में जाता है कहेंगे तो उनकी एरिया कितनी होगी, तो डेढ़ राज्यों, उसके ऊपर सनत कुमार और महेंद्र के विमान होंगे और वो कहाँ तक है, वो आने वाले और डेढ़ राज्यों तक, यानी टोटल तीन राज्य हो गए, सनत कुमार महेंद्र ने तीसरा और चौथा स्वर्ग, पांचवा और छठे का नाम क्या है, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, अभी उसके आगे के जो है ना वो आधे आधे राज्यों के हाइट से है, तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर उसके में आगे हो गए, फिर लांतव कापिष्ठ, ये सब आधे आधे ऊपर होते, हाँ फिर शुक्र महाशुक्र, फिर शतार सहस्रा, एक लेवल पर वो 12वें तक आ गए, तो ये 12वां कितने हाइट ऊपर है, देखो
ये तो डेढ़ राजु, ये डेढ़ राजु तीन राजु होगी, कहाँ तक? चौथे स्वर्ग तक। पांचवे और छठा और आधा हो गया उसमें, साढ़े तीन। सातवा और आठवा चार राजु, नौवा और दसवा साढ़े चार, दसवा ग्यारहवा बारहवा पांच राजु। पांच राजु तक हमने क्या देखा, सहस्रार की क्या विशेषता है, मिथ्या दृष्टि तिरियंच मरकर वहां तक जा सकते हैं, और सहस्रार तक के देव तिरियंच आयु यानी तिरियंच गति वगैरह बांधते, उसके ऊपर के देव नहीं। उसको शास्त्र में क्या कहते मालूम है? सदर चौक। नहीं मालूम क्या होता है? यानी शतार सहस्रार तक के जो देव है वो चार प्रकृतियां बांध सकते, ऊपर नहीं। कौन से? तिरियंच गति, तिरियंच गत्यानुपूरी, तिरियंच आयु और उद्योत। इसको कहते सदर चौक, यानी वहां तक के जीव मरकर तिरियंच में जा सकते, वो तिरियंच गति बांध सकते, और मिथ्या दृष्टि तिरियंच भी वहां तक उत्पन्न हो सकते हैं। शतार सहस्रार बारहवें तक, उसके ऊपर, ये बारहवें हो गए ना, उसके ऊपर यहां तक पांच राजू देखे थे, उसके ऊपर कौन है? तेरह चौदह। नाम क्या है? आनत प्राणत। वो कितने हुए? साढ़े पांच राजु। आरण अच्युत यानी पंद्रहवा सोलहवा, हम कितने? सोलहवें स्वर्ग तक। सोलहवें तक यानी वो पंद्रह सोलह एक ही लेवल पर है, तो वो कितने हो गए? छह राजु। तो हम बार बार जो कहते हैं वो तीसरे नरक तक जाता है यानी दो राजु नीचे, और सोलहवें स्वर्ग तक जाता है यानी छह राजु ऊपर। ये आठ बटे चौदह जो देवाओं का विहार की एरिया है वो इस तरह से गठित हो जाती है। अभी उसके ऊपर, अभी यहाँ तो कोई जाएंगे तो मुनि यानी मनुष्य ही जाएंगे, उनकी एरिया तो कम ही होगी, यानी हमें स्पर्शन के लिए काम की नहीं है, फिर भी अभी इतना समझाए तो वो भी समझ लो। तो इसके ऊपर एक के ऊपर एक नव ग्रह वेग है, और उसके ऊपर अनुदिश नाम के विमान है और अनुत्तर नाम के, और ये जो आठवीं पृथ्वी वो यहां पर है जिसमें बीचों बीच सिद्धशिला है। तो यहाँ के जीव जो सासाधन के साथ मारणांतिक कर रहे हैं, वहां पर मध्य लोग के चिरियंच हो गए, मनुष्य हो गए या कोई देव भी हो गए, वहां तक मारणांतिक कर सकते हैं एक इंद्रियों में, उसकी अपेक्षा वो सात राजु ऊपर हम इस तरह से गठित करते। आठवीं पृथ्वी, आठवीं पृथ्वी जो कह रहे हैं वो ये आठवीं पृथ्वी जिसका नाम है ईशत प्रागभार। तो वहां जब मारणांतिक करेंगे तो यहां से सात राजु ऊपर है, यानी हम ऊपर और नीचे जो गिन रहे थे ना, कहीं आठ बटे चौदह कहा, कहीं चौदह बटे यानी बारह बटे चौदह कहा, यानी जब हम कहेंगे कि नारकी तिरंच में आ रहा है तो नीचे से यहां देखेंगे, जैसे सासाधन वाले नारकी कौन से नरक से? तिरंचों में मारणांतिक कर सकते, छठे से। तो ये छठा इधर आया, यहाँ ये पांच राजू हो गया, और यहां से ऊपर कहाँ तक मारणांतिक हो सकता है? एक इंद्रियों में सासाधन के साथ मारणांतिक हो सकता है, जन्म नहीं मारणांतिक। वो कितना है? सात राजू। तो कितने हो गई? ये सात और पांच बारह हो गए। हाँ, बारह गण, उसको बारह बटे चौदह कहते, क्योंकि त्रसनाली घन राजू में ही नापते हैं ना, इसलिए शास्त्र में कुछ कम आठ बटे चौदह, बारह बटे चौदह ऐसा ही लिखते हैं। तो ये कौन? स्वर्ग। हाँ, उनके विमान भी वो राज्यों में फैले हुए हैं, इसलिए वो पूरे राज्य एरिया कवर हो जाती है। हाँ, अतीत काल पूरा, अतीत काल यानी वर्तमान में तो भले उनकी संख्या असंख्यात है, परंतु अनादि से अगर हम देखते हैं तो किसी न किसी एरिया से कोई ना कोई जीव गया है, तो वो अनंतों में घटित हो जाता है, यानी वो पूरी एरिया कवर होती है। यानी एक भी देव कहाँ कहाँ विहार कर सकता है तो पूरी एरिया वर्तमान में तो नहीं कवर हो सकती, परंतु अतीत काल की अपेक्षा कवर हो सकती है, इसलिए स्पर्शन में उसको लेना है। वर्तमान क्षेत्र में बहुत जगह लोक का असंख्यात्वा भाग, असंख्यात्वा भाग कह दिया, पर जब स्पर्शन की बात आ जाएगी तो उसमें वो मारणांतिक कहाँ कर सकता है, उपपाद कहाँ कितने क्षेत्र में कर सकता है, कौन से गुणस्थान वाला कहाँ जा सकता है, ये सब बातें सोचकर हम उसका स्पर्शन नक्की कर सकते हैं। अभी उसकी बात हम थोड़ी से देर में देखेंगे
अभी तो थोड़ा विराम लेगी ना बीच में, इतना सब शांति से सुन लिया है हमने। बोलो 2400 भगवान की जय।